एमएलए प्रद्युमन सिंह लोधी विधानसभा की सदस्यता से प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी दफ्तर आने से पहले सीएम शिवराज से उन्होंने मुलाकात की। सीएम शिवराज ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस एमएलए प्रद्युमन सिंह लोधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडी शर्मा के साथ सीएम शिवराज से मिलने प्रद्युमन सिंह लोधी पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री बनाए जा सकते हैं लोधी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपाल से खबर है जहां बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं पूर्व कांग्रेस एमएलए प्रद्युमन सिंह लोधी। विधानसभा की सदस्यता से प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया है और खबर ये कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कल ही प्रद्युमन सिंह लोधी ने अपना इस्तीफा सौंपा था। बीजेपी दफ्तर आने से पहले सीएम शिवराज ने से उन्होंने मुलाकात की सीएम से और इसके बाद सीएम शिवराज ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। खबर यह कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वीडी शर्मा के साथ सीएम शिवराज से मुलाकात प्रद्युमन सिंह लोधी ने की है और बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री बनाए जा सकते हैं लोधी। ये खबर फिलहाल मिल रही है। चले तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर डंडोतिया हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। सुधीर, ये बड़ी खबर है प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ इस वक्त अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए श्रवण, बिल्कुल सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि विधायकी से इस्तीफा दे दिया है प्रद्युमन सिंह लोधी ने। कल ही जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा उनके निवास पर जाकर इस्तीफा दिया गया था। रामेश्वर शर्मा के कुछ ही देर पहले जो बयान सामने निकल कर आया उसके मुताबिक उनको सोचने का समय दिया गया था कि विधायकी से इस्तीफा उनका मंजूर किया जाए। लिहाजा अब जब प्रद्युमन लोधी बीजेपी कार्यालय आए थे उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के निवास पर पहुंचे थे जहां पर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह मौजूद थे और उनके इस्तीफे को इस मुलाकात के बाद स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि अब बड़ा मलेरा जो है निर्वाचन शून्य घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा कहना होगा कि प्रद्युमन सिंह लोधी उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वो आ चुके, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है बीजेपी की सदस्यता उनको यहां पर दिलवाएंगे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में वापसी का एक सपना देख रही थी उपचुनाव के बाद में, कांग्रेस को लगता था कि शायद अगर 15 से 16 सीटें अगर जीतती है कांग्रेस तो हो सकता है कि वापस सरकार में कांग्रेस की वापसी हो, पर लेकिन जिस तरीके से प्रद्युमन सिंह लोधी ने दामन थामा है यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा कहा जा सकता है। एक बड़ी घटना कांग्रेस के लिहाज से कही जा सकती है कि एक और कांग्रेस का जो विधायक था उसने पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि प्रद्युमन सिंह लोधी पहले बीजेपी के ही सदस्य हुआ करते थे। 5 साल पहले उनको कांग्रेस से बीजेपी से निष्कासित किया गया था 6 साल के लिए और उसके बाद में बड़ा मलेरा से कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर आए। पर कहा जाता था कि अपने क्षेत्र की जो बड़ी नेता है बड़ा मलेरा से उमा भारती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उनके संपर्क में लगातार थे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई थी प्रहलाद पटेल के साथ में और लगभग उसी समय यह तय हो गया था कि प्रद्युमन सिंह लोधी 1-2 दिन के अंदर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कल देर शाम उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा दिया। आज उमा भारती के निवास पर वो मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनका बंगले पर स्वागत किया। प्रोटेम स्पीकर से उनकी द्वारा मुलाकात हुई। इस्तीफे को लेकर जो पुष्टि अध्यक्ष ने करनी थी कि किसी तरह का कोई दबाव या कोई अन्य कारण तो नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपना इस्तीफा स्वीकार करने की जो आग्रह था इस्तीफे को स्वीकार करने का आग्रह एक बार फिर से प्रोटेम स्पीकर को किया और उसके बाद में अब इस्तीफा जब स्वीकार हो गया है तो उसके बाद अब बीजेपी की सदस्यता लेंगे। यानी कि दल बदल कानून से बचने के जो सारे रास्ते थे वो पहले ही तैयार कर लिए गए थे। एक बड़ा झटका बुंदेलखंड के अंदर कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है और उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा सियासी उठापटक के प्रद्युमन सिंह लोधी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे अब बीजेपी के सदस्य होंगे। सुधीर, निश्चित रूप से उपचुनाव होना है। यदि हम बात करें उपचुनाव को लेकर तो बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा और कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें होंगी? देखिए निश्चित तौर पर बात करें उपचुनाव में अगर इन जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो करेरा पोहरी ये वो 2 सीटें हैं जहां पर लोधी बाहुल बड़ी संख्या में है और ये माना जा रहा था कि सुरेश धाकड़ राठखेड़ा जो कि दूसरे वर्ग से आते हैं वहां पर अगर प्रद्युमन सिंह लोधी जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। कम से कम इन सीटों पर बीजेपी की राह बड़ी मुश्किल मानी जा रही थी उस उपचुनाव में सुरेश राठखेड़ा जो कि उनको मंत्री राज्य मंत्री भी बनाया गया था, पर लेकिन उनकी राह थोड़ी सी आसान इस पूरे समीकरण के बाद में जरूर होती हुई दिखाई दे रही है।
रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अब 24 नहीं 25 बाई इलेक्शन होंगे, ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब ये इलेक्शन एक साथ होंगे या फिर बड़ा मलेरा का इलेक्शन बाद में किया जाएगा, ये निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग को तय करना है। पर जो बात थी, एक चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश कम से कम बीजेपी ने की है। कांग्रेस जिस बात का दावा कर रही थी कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में है, उपचुनाव के बाद में सत्ता में वापसी हो सकती है, कम से कम प्रद्युम्न सिंह लोधी के इस्तीफे के बाद में यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी ने जो झटका दिया है, उपचुनाव के बाद भी कम से कम सरकार बनने की जो कांग्रेस की चाहत है वो अब एक सीढ़ी और दूर होती हुई नजर आई है। यानी कि कहना होगा कि सरकार में वापसी का जो सपना कांग्रेस देख रही थी अब बिल्कुल काफी मुश्किल इसको कहा जा सकता है। जब प्रद्युम्न सिंह लोधी शामिल होंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ कारण वो कांग्रेस से मोह भंग होने का बताते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने उनसे चर्चा की थी तो उन्होंने नाराजगी की बात से साफ इनकार किया था, उन्होंने कहा था कि वो नाराज नहीं है कांग्रेस से। तो फिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ? हालांकि जो पर्दे के पीछे की जो कहानी है ये बताई जा रही है कि प्रद्युम्न सिंह लोधी को मंत्री बनाया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में 22 विधायक शामिल हुए थे उनमें से 14 विधायकों को मंत्री बनाया गया, लगभग उसी तर्ज पर प्रद्युम्न सिंह लोधी मंत्री बनेंगे और उसके बाद बड़ा मलेरा के बाई इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। श्रवण चले सुधीर अब हमारे साथ बने रहेगा। और इस बीच आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको एक बार सुनवाते हैं। आज श्री प्रद्युम्न सिंह जी लोधी फिर से मेरे पास उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी जो रात को मैंने आपको इस्तीफा दिया था उस पर मैंने पूर्ण विचार कर लिया है और मैं इस्तीफे की पुष्टि करता हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, अब मैं विधायक के हैसियत से कार्य नहीं करना चाहता, इसलिए आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उनके आग्रह पर आज की तारीख में हमने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और विधिक कार्रवाई पूर्ण कर ली गई। चले और देखिए एक बड़ा सियासी उलटफेर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिला है। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने आपको बता दें कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। सीएम शिवराज ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया है। चलिए और हमारे साथ कुणाल चौधरी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी 24 में। जी नमस्कार। किस तरह से देखते हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं? देखिए जिस प्रकार से इस प्रदेश और देश के अंदर राजनीतिक हालत हो चुकी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसे जनता ने नकार दिया और खरीदे हुए जनादेश पे बिगर पैर की सरकार बना के खड़े हैं, कुछ लोगों को धनबल और बाहुबल के माध्यम से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखें, जिस दिन जनता के बीच में जाएंगे जनता जवाब देगी। ये कुछ लोगों को खरीद सकते हैं पर जनता के जनादेश को नहीं खरीद सकते। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीति को अलग तरीके से लेके जाना चाहती है। जब जनादेश जनता नहीं देती है तो उसके बाद इस प्रकार की खरीद फरोख का काम करती है। पर हम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में उन उपचुनावों में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। कुणाल जी निश्चित रूप से समझ रहे हैं, चलिए लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर पार्टी को रहा। आगे किस तरह से पार्टी को संभालने की कोशिश होगी कि इस तरह से फिर से उलटफेर ना हो सके? देखिए पार्टी बेहतर तरीके से काम करती है, नए लोगों को मौका देती है। इन लोगों को जो गए हैं इनको कोई भी नहीं पूछता था, ये बीजेपी भी नहीं पूछती थी। नेता कांग्रेस पार्टी ने बनाया क्योंकि कोई विधायक अपनी दम पे कहता कि वो मैं विधायक बन जाता हूँ। हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत लगती है, वोट लगते हैं, तब जाके एक व्यक्ति विधायक बनता है। और वो ये इस गलत फहमी को अगर पाल ले कि मेरे कारण पार्टी है या मेरे कारण जनता ने मुझे वोट दिया, तो गलत फहमी होती है उस विधायक की। मैं भी एक विधायक हूँ तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है उसके माध्यम से मैं विधायक हूँ। और ये गलत फहमी की जितना संघर्ष कांग्रेस के लोगों ने किया उस संघर्ष के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोई व्यक्ति विधायक बना है। इन्होंने जनादेश को, इन्होंने अपने आप को तो नहीं बेचा है, साथ में उस कार्यकर्ता की मेहनत को बेचा है, उस वोटर के वोट को बेचा है। और जो वो बेचने का काम इन्होंने करा जनता इन्हें सबक सिखा के रहेगी। जी निश्चित रूप से कुणाल जी, किस तरह से हम देखें क्यों आखिर ये पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये बीजेपी में चले जा रहे हैं, पार्टी इनको क्यों भरोसे पे नहीं ले पा रही है? देखिए पार्टी पे भरोसा है पर स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की परिस्थितियां है कि जो काम माननीय कांग्रेस पार्टी की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने चला, एक माफिया के खिलाफ जो युद्ध चलाया, जिस माफियाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का पैसा रूट हुआ करता था, इनके नेताओं का गलत पैसा रूट हुआ करता था, उस माफिया के। चलिए कुणाल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। राहुल कोठारी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में।
जी नमस्कार। चलिए प्रद्युमन सिंह लोधी भी आपके पाले में। अब देखिए निश्चित रूप से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को बोलती आई, कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही है, उनके घर में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और लगातार उनके लोग घर छोड़कर जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये साबित होता रहा लगातार, आपने सिंधिया जी के मामले में देखा, आपने अन्य लोगों के मामले में देखा, बिसाऊ लाल सिंह जी से लेकर एनएल सिंह कंसाना जैसे वरिष्ठ लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था और अब यही पूरा का पूरा मामला जो है लगातार प्रद्युमन सिंह लोधी के मामले में देखने में आया था। इनको लोधी जी ने साफ बोला है, अभी लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कुछ ही मिनटों में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जुड़ेंगे उनकी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और वीडी शर्मा जी भी कार्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में जो है अशोक गहलोत विधायकों को बकरा कहकर संबोधित कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जी ट्वीट करते हैं कि हमारे घोड़े अस्तबल से छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये क्या गधे घोड़े हैं, ये क्या जानवर हैं, जिस तरीके से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको अपना मोहरा समझते हैं, ऐसा बर्ताव जहां पर भी होगा, जहां परिवार भाव नहीं होगा, जहां लोग अपने नेता से नहीं मिल पाएंगे और जहां कमलनाथ जैसे निकृष्ट नेता जो है लोगों को चलो चलो करेंगे, वहां निश्चित रूप से ये लोग चल देंगे और अपना दूसरा रास्ता बनाएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में इनका स्वागत करते हैं। चले कुणाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल जी, राहुल जी को आपने सुना होगा, ये कारण बता रही है पार्टी छोड़ने का? देखिए ये अपने घर को संभालने बेहतर होगा, इस खरीदे हुए जनादेश के ऊपर बिगर पैर की सरकार पे ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता ने मुंह की खिलाई थी और जनता फिर इन्हें मुंह की खिलाएगी। जिस गलत फहमी में जिस घमंड के साथ बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को खरीद सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा, ये अपमान सम्मान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की और इनकी पार्टी की रेफरेंस की बात कर रहे हैं। 14 लोग वो मंत्री है जो जनादेश से जीते हुए नहीं है, जो लोग अभी सदन के सदस्य नहीं है, किस और राजनीति ले जा रहे हैं ये लोग। अपनी पार्टी के लोगों के ट्वीट देख ले, कल जयबान सिंह पवैया के ट्वीट देख ले और कुछ दिन पहले के अजय विश्नोई जी के ट्वीट देख ले, इनके खुद के नेताओं की चीजें देख ले, तो ये अपना घर संभाले निश्चिंत रहे। हम कोई कुछ नहीं, जनता जिस दिन जवाब देगी, इनको जवाब जनता देगी। उस जनादेश के साथ जो इन्होंने बार बार खरीद फरोख करके बिगर पैर की जो सरकार बना रहे हैं, इसे जनता साफ कर देगी, क्योंकि जो कांग्रेस ने गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और माफियाओं के खिलाफ काम किया, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये कुछ लोगों को खरीद सकते हैं पर जनता के जनादेश को नहीं खरीद। चले कुणाल जी, अभी निश्चित रूप से आने वाले समय में उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले ही सियासी उलटफेर की कोशिशें लगातार यहाँ पर की जा रही है, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारी पार्टी की? देखिए हमारी पूरी ताकत के साथ पार्टी की तैयारी और स्पष्ट रूप से उसी की घबराहट भारतीय जनता पार्टी में, जो लोगों को खरीद फरोख करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने देखा है कि 15 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किस प्रकार के बिजली के बिलों ने पहले भी मुंह फाड़ा था और आज भी मुंह फाड़ा। जो 100 रुपए बिजली इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना के तहत लोगों को फायदा पहुंचा उससे जनता, इनकी सरकार में किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली पड़ी थी और इनकी गलत नीतियों से कर्जा चढ़ा था। पहली बार चलिए माफ कीजिएगा कुणाल जी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा और फिलहाल राहुल जी और कुणाल जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आपको सीधी ले चलते हैं। आपने लिया उनका अभिनंदन करता हूं और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें, प्रद्युमन सिंह लोधी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और क्या कुछ प्रद्युमन सिंह लोधी ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर बीजेपी की स्वागत करें माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका कार्यालय उपस्थित हो गए और देखिए प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। एक बड़ा सियासी उलटफेर आज फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता प्रद्युमन सिंह लोधी ने ली है और बीजेपी के अब प्रद्युमन सिंह लोधी हो गए। अब क्या कुछ कहते हैं प्रद्युमन सिंह लोधी, कहां उनकी नाराजगी थी, किस बात से वो नाराज थे, आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, क्या कुछ वो यहां पर कहते हैं, ये देखना अहम होगा। दुपट्टा हम लोगों को भी दे दो। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर से यहां पर सियासी उलटफेर देखने को मिला है, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक झटका है और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी की सदस्यता यहां उन्होंने ली है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अब यहां पर ये देखना होगा कि प्रद्युमन सिंह लोधी यहां पर क्या कुछ कहते हैं, पार्टी के प्रति उनकी कहां पर नाराजगी थी, किस बात को लेकर वो नाराज थे, आखिर
उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया कि अब उन्हें पार्टी का साथ छोड़ना चाहिए, कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहिए और बीजेपी का दामन उन्हें थामना होगा, क्या कुछ कहते हैं आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के विकास पुरुष और हमारे मार्गदर्शक देश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष हजर हाउस के सांसद आदरणीय बुजी भाई साहब विधानसभा में हमारे साथी हैं पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय विश्वास जी, पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर जी यहाँ पर उपस्थित, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे साथी, हमारे पार्टी के सभी अनुसांगिक संगठनों के सभी प्रदेश जिले के सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष जाकर अपना विधानसभा से त्याग पत्र दिया था और आज मैं पुनः उसकी पुष्टि के लिए गया था कि मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए और उन्होंने मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया। त्याग पत्र देने की मुख्य वजह क्योंकि इस पार्टी की यहां सरकार है और जिन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है और विकास का पर्याय बन चुकी है आदरणीय शिवराज जी और इस मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाश्री भारती जी के आशीर्वाद के कारण आप हमारे क्षेत्र के हमारे जिले के सांसद भी हैं और प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय बीजी भाई साहब के कारण आज ये हो सका और इस पार्टी से ही क्षेत्र का विकास हो सकता था। मैं दो दिन पूर्व भोपाल आया था, विकास की बहुत सी योजनाएं थी और हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में और समूचे बुंदेलखंड में, क्योंकि अभी कोरोना संकट के कारण हमारे बुंदेलखंड से जो पलायन होता है वह बहुत तेजी से पलायन हुआ, लोग वापस आए, क्योंकि कम विकास होने के कारण आज पूरे बुंदेलखंड को रोजगार की जरूरत थी, कृषि संसाधनों में सिंचाई की जरूरत थी, परंतु विषम परिस्थितियों में जब हमारे प्रदेश में हमारे सरकार में अभी वित्तीय संकट चल रहा है, उसके बावजूद भी जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिंचाई परियोजना है, ये यदि स्वीकृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से पूरे विधानसभा का और उन्होंने जैसे ही मेरा ये डीपीआर देखा, मैं आपको बता दूं मैं डीपीआर भी साथ लाया था, उन्होंने देखा और एक मिनट में पीएस को फोन किया और तत्काल ये स्वीकृति भी दे दी। ये वो काम होता है जो गरीबों के लिए किसानों के लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिल में दर्द था उन्होंने देखा और तत्काल से। ये 450 करोड़ की परियोजना है और इसमें 1700 हेक्टेयर में किसानों की सिंचाई होगी। मैं आपको बता दूं
हमारे पूरे बुंदेलखंड से बहुत से लोग पलायन करते हैं, जिसमें मेरी विधानसभा से करीब 20,000 लोगों ने पलायन किया था। आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक परिवार अपने दो बच्चों को ड्यूटी साइकिल से लेके आ रहा है, पूरा बहुत तेजी से वायरल हुआ था, वो मेरी ही विधानसभा के लोग थे। आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये क्षेत्र में ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने जीत दी है, तो मैं समझता हूं ये पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए यदि मैंने अपने विधानसभा का ऋण चुकाया है, तो निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऋणी हो गया, और इस कारण मैंने आज यहाँ त्याग पत्र भी दिया है। और हम चाहते हैं सत्ता के साथ, सरकार के साथ मिलकर पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, गरीब पिछड़े लोगों का विकास हो, और जो हम वादे करके आए, क्योंकि बड़ा मलहरा विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय उमा जी की विधानसभा थी, उनके बहुत से ऐसे विकास कार्य वहां थे, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई है, और आने वाले समय में वहां की परियोजनाएं वो पूरी की जाएंगी। और साथ ही वर्तमान में दो कार और बहुत तेजी से जो स्वीकृत हुए हैं, बंदर प्रोजेक्ट जिसमें डायमंड प्रोजेक्ट और उल्दन परियोजना, उससे भी युवाओं को रोजगार मिलेगा डायमंड परियोजना में। और हम चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री साथियों का, आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र का और पूरे बुंदेलखंड का विकास कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये कहा जा रहा है कि मंत्री बनाने का आश्वासन आपको मिला है। अभी थोड़ा 2 मिनट ये पूरा जो ये है, ये सब विकास के लिए किया जा रहा कार्य है, और निश्चित रूप से ये सब करने के लिए विकास के लिए हम आगे बढ़ा पाएंगे। हम अपने पूरे क्षेत्र का, सिर्फ विधानसभा ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड का विकास हम कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे नेता, प्रदेश के हमारे मुखिया सांसद माधी शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में संगठन पूरी ताकत से देश के अंदर एक अलग इतिहास भी बना रहे, विकास निर्माण और संगठन को मजबूत कर रहे, मार्गदर्शन में मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और आज के दिन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी विधानसभा से सदस्यता लेकर के इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता यहां पर ग्रहण जिन्होंने की है, ऐसे मेरे मित्र और मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत रहे हैं और उसी भूमिका में आज उन्होंने। चलिए, तो प्रद्युमन सिंह लोधी अब बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।